भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिए अनेकों राज्यसभा का जब सीट आया तब मेरा नाम चलता था, विधान परिषद का सीट आया जब चुनाव आया मेरा नाम चलता था। ऐसे परिस्थिति में जब जब मेरा नाम चला और मेरे बारे में निर्णय नहीं हुआ तब कभी भी मैंने कोई जाहिर कथन नहीं किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने व्यक्त कोई नाराजगी नहीं की, फिर भी मेरे बारे में चर्चा चलती रही। अनेक पार्टियों के नेताओं ने कहा पंकजा जी नाराज हैं, हमारे पास आ सकती है। अनेक पार्टियों के नेताओं ने ये भी कहा कि हम उनको ये पद दे सकते हैं, हम उनको ये यहाँ हम उनको ये स्थान दे सकते हैं। उसी बारे में भी मैंने उसको बहुत लाइट नोट पे लिया, पर कल परसों जो एक न्यूज़ आई वो न्यूज़ ऐसे कहती है कि मैं राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस के हैं आदरणीय राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से मिली हूँ, दो बार हमारा मिलना हुआ है, एक सांगली के नेता है जो हमारे इस मिलने में मध्यस्थ है, और मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ जा रही हूँ। ये जो न्यूज़ आई है ये न्यूज़ सरासर झूठ है, ये न्यूज़ नहीं, मैं ये आपको शपथ पूर्व ईश्वर साक्ष्य कह सकती हूँ। शपथ पूर्व ईश्वर साक्ष्य हर कोई शपथ लेता है, पर वो उससे कितना प्रामाणिकता से उससे जुड़ा हुआ है मैं नहीं जानती, पर मैं आज सब ये सबके सामने कहती हूँ, कोई भी पार्टी के कोई भी नेता से मेरे पार्टी के प्रवेश के बारे में मेरी कभी भी कोई भी बात नहीं हुई है। राहुल गांधी जी को तो मैंने प्रत्यक्ष रूप में कभी देखा तक नहीं, सोनिया गांधी जी को मैंने कभी देखा तक नहीं, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि वो एक शहर में है और मैं शहर में। जब ये न्यूज़ आई उस समय मैं अपने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ थी, और ये न्यूज़ जब आई तब तो मुझे इस बारे में बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि आज तक ऐसी न्यूज़ आती थी कि इनका ऑफर है, इनका ऑफर है, मैं उसको लाइट नोट पे लेती थी, पर ये जो न्यूज़ है ये कहती है कि उनके पास ये मालूमात है, उनके पास ऐसे सूत्र कहते हैं, और एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि क्वेश्चन मार्क डालने से लीगल सब सही हो गया। मैं इस चैनल पर मानहानि का दावा ठोकने वाली हूँ, क्योंकि मेरा करियर कौड़ी मोल नहीं है, लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके भवितव्य मुझसे जुड़े हुए हैं, और मेरी गरिमा, मेरी प्रतिष्ठा और मेरी इंटीग्रिटी भी इसमें चैलेंज होती है। मेरे सिर्फ पॉलिटिकल जगत में नहीं, सिने जगत में मेरे दोस्त हैं, उद्योग जगत में मेरे बहुत सारे मित्र परिवार हैं, आज वो सब मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, मेरा बेटा कहता है मम्मा ये न्यूज़ आ गया, ये सही नहीं है, पर ऐसा न्यूज़ कैसे आ गया, ये मेरे पर्सनैलिटी पर उठा हुआ सवाल है, और ये कौन कर रहा है। इस देश के गृहमंत्री हैं अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मेरा जैसा सूक्ष्म पार्टी का जीव अगर ऐसी कोई मुलाकात करता है या किसी को मिलता है तो क्या उनको पता नहीं होगा, क्या मेरे फोन में मैं किससे बात करती हूँ क्या उनको पता नहीं होगा। मुझे लगता है मेरे जैसे सरल, स्पष्ट और पार्टी से प्रामाणिक नेता के गरिमा पर यह उठा हुआ प्रश्न चिन्ह है। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ मेरा नाम चला पर ना मुझे मिला नहीं, मैंने पार्टी का आदेश उस समय स्वीकार लिया। मुझे तो मैंने तो फॉर्म भी भर के विधान परिषद का मुझे बताया गया कि रखो, और फॉर्म भरने के समय के 10 मिनट पहले मुझे बताया गया कि आप ये फॉर्म नहीं भर सकती है, तो मैंने कहा कि पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोत्तोपरि है, पर मेरे बारे में ऐसी शंका उपलब्ध करना मुझे बहुत दुख दे रहा है। ये पार्टी में मैं पली बड़ी हूँ, हजारों बार हजारों कार्यक्रमों में मैंने अपनी भूमिका व्यक्त की, मैं बार बार इस बारे में बात नहीं करना चाहती। 3 जून को जब मेरे पिताजी के पुण्यतिथि थे उस दिन मैंने कहा था कि ये चर्चा जो होती है वो चर्चा मेरी वजह से नहीं होती है, ये चर्चा पार्टी के जब कोई निर्णय होते हैं तब मेरा नाम चलता है और नहीं मिलता है इसलिए होती है। इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, इसका जवाब पार्टी दे सकती है, पार्टी मुझे पात्र समझेगी तब मुझे अकोमोडेट करेगी, ये भी मैंने कहा है। बार बार इस बारे में मैं भाष्य नहीं करना चाहती हूँ। मैंने आज तक कभी भी किसी के वैयक्तिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया, किसी के वैयक्तिक जीवन पर टिप्पणी नहीं की, कभी भी मैंने कोई धार्मिक तेढ़ बढ़ाने वाली टिप्पणी, जातीयवाद की टिप्पणी नहीं की। मैंने अपने जीवन में सिर्फ मुद्दों पर बेस्ड पॉलिटिक्स पे पूरा जोर दिया है, मेरे पिता के संस्कार मुझ में हैं, मैं किसी के पीठ में खंजीर डालने वाले रक्त मेरे खून मेरे रगों में नहीं दौड़ता, खंजीर डालकर भी उसको जस्टिफाई करने वाले लोग भी आज राजनीति में हैं, पर मैं उनमें से नहीं।
जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वो जब हमारे संसद में उस सीढ़ी पर नतमस्तक हुए थे, तब हजारों लाखों युवक सिर्फ इस देश के नहीं दुनिया के ये सोच रहे थे कि एक अलग सरकार, एक अलग राजा, अलग प्रधानमंत्री हमें मिला है, एक ग्लोबल लीडर मिला है। आज भी यही सोच रहे होंगे। हमारी आइडियोलॉजीज को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है। मोदी जी का ये वाक्य, मैं खातो नथी खावानु देतो नथी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है। भ्रष्टाचार से राजनीति को मुक्त करने के लिए मोदी जी के कदमों को बहुत गौर से दुनिया देखती है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम राजनीति में और हमारे माध्यमों के इतने कॉम्पिटिशन में मुख्य मुद्दों से हमेशा परे चले जाते हैं। कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा स्टार, उसका बच्चा पकड़ा जाता है तो हम कहते हैं उसके पास ड्रग मिला। अरे पर ड्रग मिला ये फेलियर सिस्टम का है। आज हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, ये फेलियर सिस्टम का है। कभी कोई अत्याचार महिला पे होता है तो उस महिला की जाति, अत्याचार करने वाले की जाति पर चर्चा होती, पर अत्याचार होना ये फेलियर भी सिस्टम का है। कोई इन्फॉर्मेशन कोई बड़ा व्यक्ति अपने पास रखता है और बोलता है मैं किश्तों में दूंगा, तो ये भी जनता के अधिकारों के ऊपर एक उसका खंडन करने जैसी बात हुई है। अगर कोई व्यक्ति एक जिम्मेदार पद पर है, विराजमान है, तो उसके पास अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो समाज के प्रति बहुत आवश्यक है तो उस पर उसको एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसको किश्तों में मीडिया को बताना चाहिए। ये सब चीज़ें देखकर मैं दुखी हो गई। आज मैं रोज न्यूज़ देखती हूँ, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, शरद पवार की राष्ट्रवादी नहीं रही। मैं सोचती हूँ कल लोगों को ये कहने पर मजबूर ना करना, ये हमारा काम है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और अटल जी की भाजपा नहीं रही, ये हमारा कर्तव्य है। मैं उस भाजपा की सदस्य थी, उस भाजपा की सदस्य हूँ और उस संस्कारों में पली बढ़ी हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही मुझे दुख देता है, वेदना देता है। जब भी मुझे कुछ करना है मैं डंके के चोट पर करती हूँ। लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, हजारों लोग मुझ पर आज देख रहे हैं इसको। मैं सबसे यही कहूँगी कि मेरे प्रवास में आपने मुझे साथ दिया, उसके लिए आभार। और आप हमेशा मुझे साथ तभी दे जब मैं सच्चाई और मैं गरिमा के साथ काम करूं। जब मैंने पहला इंटरव्यू विधायक के तौर पर दिया था तब मैंने ये कहा था कि जब मुझे अपने आइडियोलॉजी से और मेरे खुद के संस्कारों से प्रताड़ना करनी पड़े तो राजनीति से भी एग्जिट लेने से मैं नहीं चूकूंगी।